भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र जंडुता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक जीतराम कटवाल की अगुवाई में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में जंडुता बाजार में रैली निकाली। इस दौरान विधायक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की आड़ में कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों पर राजनीतिक रोटियां सेकने के भी आरोप लगाए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र झंडोता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक जीतराम कटवाल की अगुवाई में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में झंडोता बाजार में रैली निकाली। इस दौरान विधायक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की आड़ में कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों पर राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं, इससे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। नागरिकता कानून संशोधन सभी के हित में है, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि CAA नागरिकता देने का अधिकार है, छीनने का नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी की हितैषी है और सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसलिए नागरिकता कानून लाकर देश को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून की सहायता से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से विस्थापित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत उपरोक्त देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था, वे सभी भारत की नागरिकता के पात्र होंगे। वहीं मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चंदेल ने कांग्रेस पार्टी के CAA के मुद्दे पर देश भर में मुसलमानों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र झंडुता के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जागरूक करने के लिए 10 दिन का जन जागरण अभियान चलाया गया है। इस अवसर पर विधायक जीतराम कटवाल ने रैली के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को CAA के बारे में जागरूक किया। भारतीय जनता पार्टी झुंडुता मंडल द्वारा आज एक दिवसीय नागरिकता अधिनियम 2019 के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और उसमें नागरिकता अधिनियम के बारे में जो प्रतिभागी थे, बूथ अध्यक्ष थे, ग्राम केंद्र अध्यक्ष थे और विभिन्न मोर्चों के प्रकोष्ठों के पदाधिकारी थे, उनको अवगत करवाया गया और उसके उपरांत एक रैली निकाली गई बाजार में। इसमें लगभग 400-500 व्यक्तियों ने भाग लिया और पत्रक गांव बाजार में भी बांटे गए और जितने भी हमारे 105 बूथ हैं उनमें ये पत्रकों का मटेरियल भेजा गया और हर एक बूथ पर टोलियां बनाकर ग्रामीण स्तर पे इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और ये अभियान पिछले कल 5 जनवरी से लेके आने वाले 15 जनवरी तक चलेगा और प्रदेश के सारे हिस्सों में के अंतर्गत इस गतिविधि को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, झंडुता मंडल में भी इसके बारे में अच्छा काम होने की अपेक्षा की जाती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।